बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल देश भर में हिंदू आस्था के अपमान का जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, विवाद पैदा हो रहा है। अभी कानपुर से हम आपको तीन तस्वीरों के बारे में जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि कहीं पर आप देखिए कि फिल्मों के जरिए तो कहीं दीवारों और मैगजीन पर हिंदू देवी देवताओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में दवीक पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि दवीक मैगजीन में भगवान शिव की विवादित तस्वीर पब्लिश की गई थी। तो वही मासूम सवाल नाम के फिल्म पर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के पोस्टर में सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखाई गई है, जिसका विरोध हो रहा है। तीसरी तस्वीर भी कानपुर से ही है, जहां एक शौचालय पर राधा कृष्ण की रासलीला की आकृतियां बना दी गई हैं, जिसे लेकर विरोध हो रहा है। तो द वीक में जिस तरह से छापी गई है तस्वीरें, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। जरा हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझ जाएगा कि कैसे ये पूरा बवाल हुआ है। द वीक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में जहां तक की बात की जाए, 24 जुलाई 2022 के द वीक के अंक में इसे छापा गया था, और इसके अंक में छापी गई फोटो अब द वीक मैगजीन के संपादक और प्रबंधन पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि द वीक में जिस तरह से आपत्तिजनक फोटो छापी गई है, धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का काम किया गया। 24 तारीख को छापा गया था दरअसल। अब इस पूरे मामले में संपादक और प्रबंधन पर FIR दर्ज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कानपुर से। और आपको ये भी पता है कि कैसे पूरा बवाल हुआ है कानपुर में। द वीक पर FIR दर्ज किया गया क्योंकि द वीक मैगजीन में भगवान शिव की विवादित तस्वीर पब्लिश की गई थी। 24 तारीख को ये पब्लिकेशन हुआ था। तो वहीं पर मासूम सवाल के नाम पे फिल्म पर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। सबके बीच द वीक मैगजीन के संपादक और प्रबंधक पर FIR दर्ज कर ली गई है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जरा सुनिए आप भी। ये द वीक मैगजीन में निकले कुछ फोटोग्राफ्स को यहाँ पे अभी मिलने जो लोग आए थे, उन लोगों ने हमें दिखाया और उन लोगों ने कुछ कंटेंट भी हमें दिए हैं, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं और एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि ये फोटोग्राफ एकदम से अनसीन है। हमने इसे संज्ञान में लिया है और हमने थाना कोतवाली को ये रेफर किया है कि आवश्यक विधिक कार्यवाही इस पर की।